फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है। आप कभी भी उसको सर्व कर सकते हैं, या पार्टी हो, या घर हो, या वीकेंड हो, सबका मन एकदम खुश हो जाता है पाव भाजी के नाम पे। तो आइए देखिए हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। बनाने के लिए मैंने 4 से 5 आलू अच्छे से मैश किया हुआ, थोड़े से पनीर एकदम अच्छे से इसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया हुआ, गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती और एक छोटे साइज का मीडियम साइज का प्याज जो है अच्छे से बारीक कटा हुआ, आधी शिमला मिर्च कटी हुई, एक गाजर अच्छे से ग्रेटेड किया हुआ और प्लस कॉलीफ्लावर वो भी अच्छे से ग्रेट किया हुआ, प्लस उसके बाद हम 2 मीडियम साइज के टमाटर और लहसुन और इतनी अदरक का अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेंगे। और मसालों में मैंने नमक स्वादानुसार, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच और पाव भाजी मसाला 1 बड़ा चम्मच लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में हम सबसे पहले बटर डालेंगे और स्टार्ट करते हैं। बटर जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर जो आपने अनियन चॉप किया हुआ है वो डाल देंगे और प्लस शिमला मिर्च एक साथ डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से हो जाए तो हमने जो टोमेटो प्यूरी निकाली है वो डाल के थोड़ी देर ताकि अच्छे से कलर आ जाए और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। ये कितना सुंदर सा कलर आया है ना, और आपको अपने आप ही देखने से लगेगा कि ये भुन गया है। ये देखो कैसे ऑयल थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ये भुन गया है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है। अब आपने ये जो गाजर और प्लस फूलगोभी ये सारा इसमें अच्छे से डाल देंगे, डाल के इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये गल जाए। ज़्यादा देर नहीं, 3 से 4 मिनट, बिकॉज ये ऑलरेडी अच्छे से ग्रेटेड किया हुआ है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए आप ढक देते हैं। ये अच्छे से सब्जियां गल भी गई हैं। अब जब इतनी सारी सब्जियां आपकी गल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए, अब हम एडिशन जो आलू आपने बॉईल करके रखा था ये आप डालेंगे। अभी मैंने पनीर को नहीं डाला है, पनीर हमने ऐसे ही साइड में रखा हुआ है। अब इस आलू में अब आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो भी मसाले आपने निकाले थे नमक स्वादानुसार, हल्दी और पाव भाजी मसाला, ये सारा आप डाल के अब इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और थोड़े सा उबलने देंगे पानी को। जब ये थोड़ा सा पानी उबलने लगे अब आप सब्जियों को अच्छे से मैश करेंगे इसमें, ताकि सब्जियां अच्छे से मैश हो जाएं, मिक्स हो जाएं और इतना ब्यूटीफुल कलर आता है पाव भाजी का, बिकॉज ये जो गाजर है ऑरेंज कलर की, कैप्सिकम ग्रीन, पनीर अभी आप डालोगे वाइट कलर की, धनिया की पत्ती ग्रीन, तो कुल मिला के इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल आता है। अब लेकिन सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है, जिसको हम ऐसे करके मिक्स करते जाएंगे। आपको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं अच्छे से, प्लस इसमें अब हम पनीर जो रखा था ये भी मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसको मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। ये अच्छे से पक गया है, मिक्स हो गया है, ब्यूटीफुल कलर भी आ गया है। अब एडिशनली मैं इसमें थोड़ा सा बटर मैंने डाला है, ठीक है। आप चाहो तो खाते वक्त एडिशनली ऊपर से भी ले सकते हो, बट मैंने एक ही साथ थोड़ा सा बटर डाल दिया है खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए। स्टार्टिंग में भी हमने बटर ही यूज़ किया था, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स हो गया और सच बताऊँ क्या यम्मी सी खुशबू आना शुरू हो गई है कि मज़ा ही आ रहा है। थोड़े से धनिया की पत्ती की गार्निशिंग और बस ये सर्व करने के लिए रेडी है। और इधर हम पाव भी हमारा रेडी है, इसको हम अच्छे से ब्रेक करके बटर में थोड़ा थोड़ा सा इसको सेक देंगे दोनों साइड से।
ये पाव भी सिक गया है, उसको सर्व कर देते हैं। पाव भाजी रेडी है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो चल रही हूँ खाने और सबको खिलाने। फटाफट आप भी बनाइए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।